भाई के मलाई चाप का स्वाद एकदम लाजवाब और ज़बरदस्त है। ये भाई यहाँ पे पनीर रेडी करके रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इनके यहाँ पनीर बनती है, जो कि अभी हम है गोंडा के टॉमसन कॉलेज के गेट के सामने। और यहाँ पे दिल्ली सोया चाप और फास्ट फूड की दुकान है, और भाई लोग बनाते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइटम। तो भाई से ही पता करते हैं भाई क्या क्या बनाते हैं। भाई क्या हालचाल है? भाई क्या हालचाल है? बढ़िया। अभी आपने हमें समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आप क्या 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 आइटम है? सोया चाप मिल जाएगा, पनीर टिक्का है, स्प्रिंग रोल है, मोमोज है, कुरकुरे मोमोज है, पास्ता है, राइस है, मंचूरियन है, चिली पटेटो है। यहाँ पे चाइनीज आइटम है जी, चाइनीज फास्ट फूड आइटम जी। तो दोस्तों यहाँ से मिलेंगे आपको चाइनीज आइटम और फास्ट फूड आइटम। रेट क्या है? मलाई चाप 100 का हाफ है, चटपटी चाप 90 का हाफ है, पनीर टिक्का 90 का हाफ है, आपको तंदूरी मोमोज 60 का हाफ है। सोया चाप कितने का है? मलाई चाप 100 का हाफ है, चटपटी चाप 90 का हाफ है। भाई अभी चाप को 15 मिनट तक भुने हैं, इसे रोस्ट कर लिए हैं, उसके बाद इसको कटिंग करेंगे और उसके बाद रेडी करेंगे चाप ज़बरदस्त तरीके से। भाई कैसा होता है भैया का चाप? कैसा होता है भैया का चाप? अच्छा, आपने टेस्ट किया है? जी, तभी तो लेने आए हैं। अच्छा भाई, तो यहाँ पे भाई भी बता रहे हैं अच्छा चाप होता है। आंटी जी आप बताइए भैया का चाप कैसा होता है? अच्छा होता है भैया का चाप, टेस्टी होता भी है। आपने टेस्ट किया? हाँ, हमने टेस्ट किया हूँ कई बार। कितनी बार टेस्ट? अरे कई बार। कोई की तो आपका 100% रिव्यू है। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। तो भाई हमारे लिए तैयार। भाई चाप को कट कर रहे हैं, काट रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं। उसके बाद क्या क्या आएगा भाई इसमें? इसमें आएगा मेयोनीज, आएगा बटर। म्यूनीज आएगा और क्या आएगा? बटर आएगा। ये म्यूनीज आ गया, ये बटर आ गया। उसके बाद क्या आ रहा है भाई? ये चाट मसाला डाल दिए भाई। फ्रेश क्रीम डालने के बाद मिक्स करेंगे। ये फ्रेश क्रीम है अमूल की, देख सकते हैं आप। उसके बाद भाई मिक्स कर रहे हैं। इसके बाद प्याज कर रहे हैं, मतलब कटिंग करके डाल रहे हैं इसमें। भाई इसमें डाल दिए हैं प्याज। ये मलाई चाप है ना भैया? इसको गरम करेंगे। इसके बाद भाई इसको करेंगे गरम, मतलब फ्राई, दोबारा फ्राई करेंगे इसको। एकदम ज़बरदस्त तरीके से। कितने मिनट फ्राई होगा भैया? 2 मिनट फ्राई। दो का चाप फाइनली रेडी हो गया है, मलाई चाप। और इसमें डाल दिए भाई हरी वाली चटनी, ऊपर से मलाई डाल दिए ना भाई, ऊपर से मलाई डाल दिए हैं। नैपकिन लगा के प्लेट हमें दे रहे हैं, और अभी हम टेस्ट करके आपको बताते हैं भाई कैसे बनाते हैं मलाई चाप। टेस्ट करके आप सभी को बताने वाले हैं, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर करिएगा। दोस्तों भाई का मलाई चाप हम टेस्ट करने वाले हैं, एकदम ज़बरदस्त बना है। तो अभी टेस्ट करके बताते हैं कैसा होता है। भाई के मलाई चाप का स्वाद एकदम लाजवाब और ज़बरदस्त है। आप सभी लोग एक बार यहाँ ट्राई कर सकते हैं, अगर आएंगे तो आप खुश हो के जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं अच्छा रिव्यू दिए हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत लोग खड़े हैं खाने के लिए, यहाँ टेस्ट लेने के लिए। और फुल में 6 जी। फुल कितने का होता है भैया? फुल 120 के, हाफ 60 की है। हाफ होता है 60 का और फुल 120 का जी। तो लगा रहे हैं आप एक बार अगर पाव भाजी ट्राई करना चाहते हैं तो गोंडा में बॉम्बे पाव भाजी के यहाँ आ सकते हैं। टॉमसन के गेट के सामने जस्ट भाई की दुकान है। भाई साहब की एक प्लेट पाव भाजी रेडी हो चुकी है, देखने में बहुत ज़बरदस्त है। इसमें लगाया है भाई ने प्याज, नींबू, हरी वाली चटनी, और इसके बाद ये भाजी है, और इधर भाई का ये लगा है पाव, और अमूल का इस पर बटर लगा दिया है। बहुत बहुत ज़बरदस्त है, एकदम स्वाद लाजवाब है। तो देख सकते हैं भाई। तो दोस्तों भाई साहब की हम पाव भाजी ट्राई करने वाले हैं, देखते हैं कैसे बनती है भाई की पाव भाजी। तो टेस्ट करके आप सभी को बता रहे हैं कैसे होती है। तो भाई के पाव भाजी का स्वाद एकदम लाजवाब और ज़बरदस्त है। एक बार आप ट्राई करेंगे यहाँ तो आपको अच्छा लगेगा, और भाई अच्छा बनाते हैं।
तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, धन्यवाद, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, चलते हैं। भाई की आगे भी दुकान है, पनीर की दुकान, तो वहाँ भी आपको रिव्यू पूरा देते हैं, धन्यवाद। दुकानों का वीडियो बनाया दिल्ली चाप वाले के यहाँ और बॉम्बे पाव भाजी की दुकान की, दोनों इनकी दुकान थी, और यहाँ पे भाई शंकर पनीर की दुकान भी इन्हीं की है, शंकर पनीर भंडार। तो इनके यहाँ घी, मिठाई और पनीर स्पेशल बनती है। तो भाई पनीर क्या रेट है आपके यहाँ? 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो भाई, क्या पनीर 300 रुपये किलो है, और भाई का जो स्पेशल है पनीर, भाई ओरिजिनल होता है, 100% शुद्ध होता है। तो भाई सामने ही पनीर तैयार करते हैं, यहाँ पे भाई की मशीन लगी हुई, आप देख सकते हैं पनीर तैयार करने वाली। और भाई ये भाई हैं दुकान के ऑनर दोनों भाई, और ये 3-4 दुकान यहाँ पे चलाते हैं। तो आप अगर पनीर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा, अपने सभी गोंडावासियों तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।